समाज सेवी अन्ना हजारे को लेकर एक खास खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर छात्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों के समर्थन में आज अन्ना हजारे भी वहां पहुंचे। अन्ना हजारे ने कहा कि मेरी विनती यह है कि हिंसा मत करो, अगर हिंसा की तो सरकार आपके आंदोलन को तोड़ देगी। जो आपके साथ हुआ वह पूरे देश की हानि है। छात्रों के प्रदर्शन का यह पांचवां दिन है। छात्रों का कहना है कि जब तक इस मामले की सीबीआई जांच शुरू होगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और इस मामले में सरकार की चुप्पी चुभ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में असंतुष्ट आंदोलनकारी परीक्षार्थियों से कल सुबह लोधी रोड स्थित धरना स्थल पर जाकर मुलाकात की। तिवारी ने धरना स्थल पर लगभग एक घंटा आंदोलनकारी परीक्षार्थियों के साथ बिताया और उनकी शिकायतें गौर से सुनी। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये आंदोलनकारी परीक्षार्थी सारे देश से आए हैं और दिल्ली का सांसद होने के नाते मानवता के आधार पर मैंने इनसे मिलना और इनकी शिकायतों को समझना जरूरी समझा। उन्होंने एसएससी परीक्षा से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों को संबंधित मंत्री के समक्ष रखकर उनकी जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।